अरे भाई बेगम, ओहो तौबा भाई तौबा तौबा, वादिया इस किस्म की बकरा मंडी मैंने नहीं देखी भाई। ओह ओह आ ओह ओह, अबे जानवर बेच रहे हो कि इंसानों को बेच रहे हो? कितने लोग मेरे पैसे लगा रहे हैं भाई, ये ले लो बे खुदा के बंदो, ये देखो क्या मेरे हाथ में देखो, तो बस तकवा जेबों में क्या मुसीबत है बेगम, अयो बेगम क्या मुसीबत है यार, हर चीज के अंदर चोरी का इल्जाम मेरे पे लग गया बेगम। आ रही हो, क्या मुसीबत है? मुसीबत तो तुम खुद हो, बेड़ा गर्क हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ऐसे कैसे आ गए हाथ में लेकर? अबे तुम मंडी में मुझे छोड़ के भाग गया रे? तो मुझे भागना पड़ गया, लोग मुझे मेरे पीछे रस्सी लेके भाग रहे हैं, कह रहे ये भी भागा मैं बैल है, मैंने क्या हो गया? मुझे बैल कह रहे? मुझे तुम बा कह रहे, बकरा कह रहे, मैं तो जान छुड़ा के भागा सरकार बात। तू एक बकरी है, नालायक टाइप की बकरी, और वो भी सत्के की बकरी, सत्के की बकरी। क्या कर रहे हैं बीबी जी आप? अबे बीबी जी आंखें नीचे करके बात कर, बेशरम गुस्ताख नाहंजार, पांचवी फेल। भाई देखो मैं ये क्या पकड़ा आपने? अरे किसी ने मेरी जेब में ये चने डाल दिए, मैं बोरी के पास खड़ा था, वो कह रहे तू चुरा के लाया। भाई आप पे इल्जाम लगाया? इल्जाम बड़ी मंडी में कान के नीचे चमाटे मार रहे हैं। नहीं करे, इतना अमीर आदमी जिसके करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, वो चने चुराएगा? पता नहीं, वो वहाँ सब बोल रहे हैं हाँ ये चोर है, चने चुराता है। आपने कैसे सुन लिया सब कुछ? मेरे मुंह में टार्च मार के ना पुलिस वालों ने चार चने जो है ना रेड हैंड निकाले। रेड हैंड चार चने निकाले मुंह से? मुंह में क्यों डाले थे आपने चने? मैं तो ऐसे चबा रही, मैं देखो बकरे एंजॉय कर रहे, मैं तो फिर इंसान हूँ। मुझे आपने कहा था कि आप जाएंगे जानवर लेने। हाँ। तो आप जानवर लेने कहाँ गए थे? मैं आपके घर चला गया। मेरे घर? जानवर लेने के लिए। क्या मतलब है आपका, मेरे घर में जानवर रहते हैं? नहीं नहीं, आपका भाई है ना घर में। कौन? वो शब्बनचरिया। तो क्या हुआ? वो कह रहा था कि उसकी बहुत वाकफियत है मंडी में, उसके आड़ी है, दोस्त है उसके, तो वो हाँ वो दिला देंगे सस्ता जानवर। आड़ी क्या होता है? आड़ी दोस्त यार, फ्रेंड भाई। तुझे कैसे पता है? तुझे तू क्या सांप के बीच में क्यों बोल रहा है? ओए खामोश। तो मैं उसके साथ चला गया। अच्छा? वो मुझे लेके गया और मैंने जानवर का सौदा कराया और खुद कमीशन लेके भाग गया। नहीं ऐसे थोड़ी कर सकता। एक गाय खरीदी। गाय खरीदी आपने? मैंने कहा ऐसी गाय हो जो आप लेके चले। हाँ। तो आपको ऐसा लगे दो बहनें जा रही हैं, मतलब जानवर और इंसान का फर्क मिट जाए, खुदा करे ये हो जाए। तो मैंने फिर जरा तंदुरुस्ती सूरज सफेदी गुलाबी सी गाय ढूंढी जैसी आप हैं। मेरे जैसी गाय ढूंढी आपने? हाँ। मैंने आपसे कहा था बकरों की जोड़ी लेना। बकरे तबले की जोड़ी होती है, समझ गए, जूतों की जोड़ी होती है, तो बकरे अलग अलग होते हैं। तो बकरा नहीं लिया आपने? ले लिए दो बकरे, एक गाय, एक दुम्बा। माशाल्लाह, अच्छा मिला ना बकरा? अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से मिला। कहना कोई चाय वाय पियेंगे? मैं कहा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मिला। नहीं नहीं, मतलब एक अच्छा खरीदा ना आपने? अच्छा खरीदा, जाहिर है कोई अच्छा खरीदा, प्यारा है, बहुत अच्छा है, गुड। चला के देखा सब कुछ उसको मैंने, गाय बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है ना, बहुत साफ सुथरी धुली हुई, धुली हुई, मैं कह रहा हूँ कच्ची खा जाओ। इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह सरकार ने लिया, मजाक बात है। आप देखो पैसा ऐसा बहाया पानी की तरह। मैं आपको इतना कहती रही कि मुझे पॉलर छोड़ के आए, आपने मुझे पॉलर नहीं छोड़ा और गाय के लिए निकल गए। अबे तो गाय को तो पॉलर छोड़ के आए हो अभी? गाय को पॉलर क्यों? ऐसा तैयार कर रहे हैं, लश्कारे मार रहे हैं, चमका रहे हैं, यही तो शोबाजी चल रही है। क्या शोबाजी हो रही है? हर मोहल्ले में तंबू लगे हुए हैं, गाय के पोस्टर लगे हुए हैं, मैंने भी बनवाए गाय के पोस्टर, कहीं यूं खड़ी है, कहीं यूं खड़ी है, कहीं यूं यूं कर रही है, ऐसे बनाए। कितनी बुरी बात है ना, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होती है, लोगों को दिखाने के थोड़ी होती है। जमाने के साथ चल रही हो ना, अब सारा मोहल्ला दे, ये देखो म्यूजिक वाले बुला के बिठाए। हाँ वो पड़ोस में उन्होंने कव्वाल बुलाया, आपने इनको बुला के बिठा लिया। तो कव्वालों की टक्कर पे ये है ना, ये हर एक जानवर की एंट्री बजाएंगे। हाँ जब जैसे ही गाय कटेगी ना तो ये म्यूजिक बजाएंगे। हाँ भाई
गाय का म्यूजिक हो जाए करना। बस कर रहे बस कर रहे। ये क्या अबे क्या हीर रांझे की गाय कट रही है। ओ, लग रहा गाँव में गाय बेवा हो गए। तो इसमें दुख की क्या बात है, तेरे पैसे लगे हैं। खुल के खुशी का म्यूजिक बजा, खुल के गाय कट रही है, खुशी मजा खुशी बजा। मैंने कहा था ऐसा धमाल का म्यूजिक नहीं बजाइयो, मेरे पे हाल आ जाते पहले बता रहे मैं तेरे को। अपना जरा हाथ काबू में रखियो, दूसरी बात ये जरा शोर शराबा फुल मोहल्ला उठा के रखना है। क्या बात है? तुम घबराओ मत, तुम बस हिस्से बकरे बनाने की बात करो। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप लोग ने ईद के दिन ये क्या सेटअप किया हुआ है। अरे ये सेटअप नहीं है, ये तो पार्टी अरेंजमेंट है। सारे बड़े बड़े दोस्त आ रहे हैं मेरे। तो जानवर कहाँ है? जानवर तो आए नहीं, दोस्त आ रहे। जानवर आ रहे हैं बड़े वाले पिकअप पे। कौन से वाले? बड़े पे? बड़े पिकअप पे आ रहे हैं। गाय आ रही है, बकरे दो है और क्या धुम्मो भी नहीं है ना? दुम्बे दो हैं, बकरे दो हैं, गाय एक है। ये तो दे देना, क्यों पकड़ा हुआ आपने? ये आप ले लो, आप ले लो, मुझे लो, लो, चल लो। नहीं एक मिनट ठहरे, यहीं रखें, लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने शॉपिंग की है। कोई मेहमान आएगा उनपे इम्प्रेशन भी तो पड़ना है ना। ये लो ये धनिया निकला, ये मैं घास समझ रहा था है? इसको पकड़ लो, यहाँ रख लो, सही हो गया। सेटअप तो करो, मेहमान आएंगे। अबे मिठाइयाँ मिठाइयाँ लगाओ टेबल पे। सरकार सारे लगाओ, ऐसी तैयारी ना आप देखिए बिल्कुल। लोगों को पता तो चले ना कि आपने जानवर खरीदे। ठीक है सही है, ठीक है हम लोग जरा सेटअप कर रहे हैं, आप परेशान नहीं होना, मैं आ रही हूँ दो मिनट में। अच्छा ठीक है सही है। पान की कुर्बानी आपने हमारी नहीं देखी जो मैंने बुरुश्री से करवाई थी। बुरुश्री ने तलवार से तन जुदा कर दिया था उसका। बताएं हेलो हेलो हेलो। हाँ मुश्ताक, मुश्ताक पजामे सिल गए तो भेज दे। अबे क्या भेजा, वो तो एक तरफ के सिला हुआ दूसरा पांचा ही नहीं है। क्या मैं लंगड़ा लग रही हूँ तेरे को? टांग नहीं मेरी। चल यार तू भेज तो सही, मैं कोई एडजस्टमेंट कर लूंगा यार। कौन आ गया? कौन? प्लीज कम इन। अरे वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आ जाओ आ जाओ, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मगर आप लोग हैं कौन? क्या हो गया? अभी पिछले साल नीचे शिफ्ट हुए। अच्छा आप लोग हमारे नेबर्स में से हैं? जी जी। सॉरी, कुछ लेंगे आप लोग? माफ कीजिएगा। अच्छा मैं असल में मैं अभी पहुंचा हूँ, मंडी गया हुआ था। ईद वाले दिन? ईद ईद तो अभी सुबह आया हूँ ना वापस। अच्छा तो ये चारा लेके कहाँ घूम रहे? नहीं चारा नहीं है बेटा, ये मैं जब बहुत बड़ा हादसा हुआ बेटा। क्या हुआ? बेटे में सब मेरे पे इल्जाम लग गया, मेरे पे इल्जाम लग गया। मैं वहाँ खड़ा हुआ था मंडी में गाय भैंसों के पास और बकरों के पास। बेटा पता नहीं किसने जलील आदमी ने मेरी जेब में उनके चने डाल दिए जो वो खाते। चोरी के इल्जाम में मुझे इन्होंने चमाटे घूसे लपाड़े धपाड़े मारे। हालांकि मैं सिर्फ देख रहा था किस किस्म के होते हैं। तो बेटा वहाँ पे काफी की चतानी हुई, देख रहे हो कपड़ों का क्या हो गया। मंडी करने क्या गए थे आप? बेटा मंडी में लट्ठा लेने गया था। मंडी में क्या होता है, जानवर लेने गया था और खाई के लेने गया था। नहीं जानवर वो असल में आपने किया नहीं ना, कोई 5-6 साल हो गए। क्यों नहीं किया? हमें तो नजर नहीं आया। अबे पिछले साल तुझे प्यार नहीं किया था? तू बोल रहा मेरा जानवर तो कोई मेरा किया ही नहीं। लास्ट ईयर हमने तो न्यूयॉर्क में किया था। जी जी। हमने इससे पहले हम लोग खुद ही पहली जगह यहाँ कुर्बानी कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने रशिया में कुर्बानी की है। हाँ जी हाँ, हम तो ऑस्ट्रेलिया में भी की हुई है। अच्छा तो हम लोग जापान की कुर्बानी आपने हमारी नहीं देखी जो मैंने बुरुश्री से करवाई थी। बुरुश्री ने तलवार से तन जुदा कर दिया था उसका। बताएं इस दफा की कुर्बानी का क्या हुआ? जानवर कहाँ है आपका? जानवर कहाँ है? जानवर भाई बेटे अभी सौदा करके पहुंचा हूँ, सुजुकियाँ लेके आ रही है। ईद की नमाज हो गई, कुर्बानी का टाइम हो गया, आप कह रहे हैं कि अभी सुजुकी आ रही है? तू तो इस तरीके से आ रही है, तुम लोगों 3 दिन पहले कर ली है। ले लो बताओ इनको।
हमारे यहाँ तो भाई कुर्बानी आजकल, आपको पता नहीं अंकल फैशन का? आए बकरा, मुझे तो फैशन का बिल्कुल नहीं पता है। आए बकरा, एप्लीकेशन का नहीं पता आपको? भाई मुझे नहीं पता बकरा को किसका। आए बकरा, आई बकरा एप्लीकेशन है। आई बकरी होता बेटा, आई बकरा नहीं होता। ओ माय गॉड सच एलएस, ओ माय गॉड क्या हुआ वो हमने तो बकरा कर लिया था ना। आपने बकरा कर लिया? हाँ, हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पहुंच गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली यू नो वो स्टाइल में पहुंच भी गया। कैसे पहुंच गया जरा मुझे आपको नहीं पता भैया? बताओ बताओ। एक एप्लीकेशन है आई बकरा, उसको प्रेस करे, उस पर आपका नाम लिखे, फॉर्म फिल आउट करे, बकरी की तस्वीर डाले, सुबह को वो आ जाते हैं बंदे, आपका आपकी गाय या जो भी आपने लिया है वो ले जाते हैं, वो मशीन में फिट करते हैं, यहाँ से आप बटन दबाएं, वो सारे उधर कुर्बानी हो जाती है, अल्लाह हू अकबर पढ़ते हैं वो लोग, और आपके जो सारे उसके सिरी अलग, उसका पाय अलग, उसका बेजा अलग, उसका गुर्दा अलग, उसके हिस्से प्रॉपर हिस्से बन के राने अलग, ये वो सब कुछ पहुंच जाते हैं घर पहुंच जाते हैं। घटिया तरीका, शोबाजी, मैं जो करके आया हूँ ना अभी वो बस होता नहीं बेटा, और तुम्हें बता रहा हूँ कॉपी ना करना पिछले साल। ये जो मैंने करा है, दस्ती बम खिलाया बकरे, दस्ती बम ग्रेनेड खिला के इसे चला दिया रिश्तेदारों के मोहल्ले में जाके, जिस जिसको गोश्त पहुंचना था फटाया बकरा, हर एक के घर पहुंच गया, ना लाने की जरूरत ना ले जाने का झंझट, बस गोश पहुंच गया। भाई हमारे घर तो कुछ नहीं पहुंचा। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, अभी यहाँ तो कुर्बानी हुई नहीं है, ये तो मैं अपने पिछले मोहल्ले का बता रहे हूँ। हमें तो राहत मिलेगी ना आपकी तरफ से। मैं पूरा जानवर आपको दूंगा, जबरदस्त, खुद अपनी मर्जी से छाटना, अपनी मर्जी से बकरे में चीजें छाटना, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तुम्हें बकरे में क्या चीज पसंद है? मुझे तो पाय पसंद है शहजाद, भूल गए पाय और मगज, मगज भी। हाँ भाई, ओजड़ी अभी तक किसी ने मुझसे मांगी नहीं है, अगर किसी को अगर दिलचस्पी हो जी ओजड़ी में मुझे कोई, क्योंकि बड़ी जबरदस्त धुल के बनती है, जिस वक्त उसकी बटे बनती है, मैं कहता हूँ भाई मुंह में रखो घुल जाओ, ऐसा तेरा चाचा बनाता है। मैं तो सोच रही थी कि आपने कोई फीस्ट रखा होगा, यू नो फीस्ट, फीस्ट, नो फीस्ट, नहीं कोई फीस नहीं भाई, घर फ्री है, इसमें फीसे कहेंगे लेनी मैंने। शिताब ने कहा था ना यहाँ पे कुछ नहीं मिलना खाने पीने को, चलते खाने पीने को करा, मैं फ्रिज के फ्रिज रखे हुए, चले वो तो छोड़े, ये बताए कि कुछ ईदी शीदी ही कुछ। हाँ जी तो। बेटे मैंने तुम लोगों के लिए प्राइस बोन रखे हुए ले लेके 500-500 रुपए, वो पिछली दफा भी दिए, अगर वो निकल गए ना माला माल हो जाओगे, वो कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, जब मेरी जेब से निकल गए तो निकलेंगे जरूर। आप बात कर रहे हो यार बच्चों जैसी, नहीं तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे लगाई तू ना, फिर वो सादे हाथ लेके फिर रही है। आजकल फैशन नहीं है ना अंकल, इट्स ऑल अबाउट फैशन यू नो। अगर तुम्हें हाथ बुरे लगते ना सऊदी अरब चले जाओ, चोरी करके कटवा लो, फ्री में काट देंगे वो। यार ये सब सवाल बात कर रही भाई, इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई, पिक्चर लगी है ना फेसबुक पे, मैं देखो तो सही जरा, अरे हमारे खानदान के फसाने बिखरे हुए वहां पे। भाई मैं तो चिटाइयां बटाइयां सब सामान ले आया हूँ, अभी जानवर बनने शुरू होंगे। अच्छा, मैं बड़े से बड़ा जानवर करूंगा तुम देखना, बड़े से बड़ा। हाँ मेरे खालू ने किया ना, अभी हाथी कर रही है उन्होंने, हाथी, उनको बाद में किसी ने बताया हाथी की कुर्बानी नहीं होती, अब जुड़वाते फिर रहे, कोई जोड़ नहीं दिया हाथ। उनको पता नहीं था, बोले बोले Uncle, you're too funny. Actually, you're too funny. Funny क्या मतलब? You know, jokes. Jokes वाला, joke वाला, ठीक है, funny. तो फिर अभी हम, मेरे अब्बा गुस्सा आ गया। अब्बा ने गोरदीला कर दिया। अच्छा? गोरदीला नहीं है फिल्म में आता है, बाहर में से निकलता। पकड़ लिया बाबा ने। गोरदीले को पकड़ लिया? पकड़ लिया, कर दिया उसको। ज़िबा? नहीं, पप्पी कर दी उसको। पप्पी करके छोड़ा। हाँ, क्योंकि पप्पी करके छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो अब्बू को नहीं छोड़ रहा था। हाँ, आग भाग निकल गई होगी ना भाई, मुंह में से बाहर निकल गई। इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई, पिक्चर लगी है ना फेसबुक पे, मैं देखो तो सही जरा, अरे हमारे खानदान के फसाने बिखरे हुए वहाँ पे, और रियली वेरी गुड। मैं चले जाके लाइक करूंगी तो फिर मुझे भी लाइक्स मिल जाएंगे ना। प्लीज प्लीज जरूर जरूर जरूर, और तुम्हारे अभी जैसे जानवर पहुंचेगा ना हिस्सा घर पहुंचवा दूंगा। बस ठीक है,
इंशाल्लाह बेफिक्र होकर के और अम्मी को सलाम बोलना, जरूर दूंगा। अब्बू को सलाम बोलना, ठीक है ना। और कुछ खाना हो ना बेटा, ये बिल्कुल कोने के ऊपर नया रेस्टोरेंट बना, वहाँ से खाते हुए घर जाओ, अल्लाह के हुक्म से पानी वानी वहीं पियो, और इंशाल्लाह बड़ा एंजॉय करोगे। मैं बड़ा एंजॉय करके आ रही हूँ, मैं तो मंडी से आ रही हूँ, अभी तो कोई शीर खोरमा वगैरह बना नहीं है। और आंटी तुम्हारी गई है हनीमून पे। आंटी और हनीमून? Oh my God, तौबा तौबा तौबा। हनीमून में कहेंगी तौबा? वो गई नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा तुम चली जाओ, तो वो चली गई अकेले। अरे एक टिकट भी बच गया ना, टिकट भी तो बचा है ना, अल्लाह का शुक्र हो गया। चलो तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह का नाम लेकर के ना तुम लोग जाओ, तो मैं अच्छा है। सुना भाई तुम आजकल कर क्या रहे हो? बस काम में बिजी, इतना ड्रामा ड्रामा फिल्म विलम की लाइन में चले गए हो। जी जी, वो फिल्में भी कर रहे हैं। आप कर रही हो फिल्म विलम? जी कर रही हूँ। अच्छी वाली? अच्छी वाली कर रही हूँ। अच्छी अच्छी फिल्म हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बदनामी हो ना फिल्म के अंदर, मैं खुदाई कर सैनमा की दीवारों में टकरे मार के ना बता रहे हूँ, सैनमा गिरा दूंगा। आपने देखी नहीं कराची से लाहौर? कौन सी फिल्म? कराची से लाहौर? नहीं, मैं कराची से लाहौर तक तो फिल्म, इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा भाई? फिल्म का नाम है कराची से लाहौर। अच्छा, फिल्म का नाम है कराची से लाहौर। मैं देख लूंगा, तेरे लिए देखूंगा। बस देखनी तो है। बिल्कुल हूँ, अभी तो कह रहा हूँ। पूरी फिल्म में? पूरी फिल्म में उसे, मैं ही मैं हूँ। तू ये आइटम भी मैं कर रहा हूँ। बाकी कास्ट सो रही है? बिल्कुल सो रही है। चल ठीक, फिल्म देखूंगा जाकर, जरूर देखूंगा। टीवी में आएगी तेरी फिल्म? टीवी पे आएगी, लेकिन पहले आपने शर्मा में जाके देखनी। वो पहले शर्मा में देखो। अब्बा तेरा क्या कर रहा है? वो तो हर फिल्म में, शूटिंग पे गए। तो हर फिल्म में जो फिल्म बनी भी नहीं उनमें भी। अब्बा बहुत सही क्या कर लिया तेरा, सही कदम बता रहे हो। बहुत काम कर रहे थे अब्बा, माशाल्लाह। तरक्की से तुम उसी से। तुम लोग भी कोई जानवर, मतलब बिल्कुल कोई एक आधा बोटी भी घर में नहीं रखी? वो फेसबुक पे पेज पे लगा दी थी ना तस्वीरें, इतनी सारी बोटियां। कोई दो चार बोटियां तो रख लेते, अभी सेक के खा लेते, कुछ तो होता, सहारा मिल जाता। हमारे आश्रय तो आए थे आपके पास। हमारे जानवर तो बाई रोड आ रहे हैं। बाई रोड आ रहे हैं, अभी काटवा के अभी भिजवा दो, प्लीज भिजवा दीजिएगा। वो बहरोजन का भी पूछ रहे थे। और तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? बिल्कुल मजे में। कितने हो गए तेरे? अभी तो एक हुआ है। एक हुआ है? मेरा भी एक ही। एक बच्चा, एक एक बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तुम्हारे बच्चों को जिंदगी से तुम खुशी से यार, हम तो यही कह सकते हैं। ठीक है, किसी लड़की से अफेयर फिर तुम चल रहे थे? बच्चे का? नहीं तेरा? नहीं मेरा, नहीं नहीं, बीवी से चल रहा है बस। बीवी से अभी तक अफेयर कर रहे हैं? क्या बोर कर रहे हैं तुम मुझे? आंटी आंटी जा सकती है हनीमून पे अकेले, मैं अफेयर नहीं कर सकता बीवी के साथ। अबे मैं आंटी आंटी का नहीं भरोसा भाई, चली जाती है, मैं क्या करूँ। यही कह सकता हूँ, टाइम पास कर लो। बच्चे साथ गए हैं, अकेली थोड़ी गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बच्चे साथ गए। अच्छा, पूरे 15 के 15 गए? पूरे 15 के 15 गए? 15 बच्चे कहाँ है मेरे, क्या मुझे क्या समझा? घूमते रहते हैं ना इधर, क्रिकेट नहीं, नहीं, वो सारे मेरे बच्चे। तू ना नाला ना, दुनिया हंसती आना देख के, हम दोनों कपा गए। तू नहीं हंस रहा? नहीं नहीं, मैं क्यों हंसूंगा? तुझे मैं, तुझे एक मिनट है, तुझे ये सामान मारा बेगम कैसी लगी है? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। दूसरों के घरों में बीवियों को घुस के कुर्बानी का कसाई बन के कर रही है ये बात? क्या कर रही है ये बात? बड़ी मुश्किल से मिला सरकार ये। अब किसी को नहीं मिलेगा ये। माफ कर दे, माफ कर दे, गलती सरकार। पहले कुर्बानी कराने, बाद में इसकी कर देंगे। बाद में मेरी कुर्बानी कर, पहले इसे कटवा दे। गलत बात नहीं करना, नहीं करेंगे बेगम के बारे में। बेगम के बारे में खुदा की कसम, आंखों में खून उतर आता है। अल्लाह खैर। लेकिन आपस में दोनों भाई है कैसी है बता? बहुत अच्छी। इसके बावजूद भी तेरी है बाबू। भाई बेगम जाओ, बड़ा वाला बुरखा पहन के आओ। तुम्हारी वजह से कसाई हमारे घर में ठरक करने आ गए। देखो बड़ी एहतियात से कुर्बानी करनी, बहुत कीमती गाय है, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। उसको बड़े इज्जत और आबरू से हाथ लगाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ये मुझे बताओ, जब कोई तैयार होता है और अच्छा तैयार हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए? तो तुमने की? अब नहीं करूँगा। इसका मतलब है ये बहुत बुरी है, तू ये कह रहा है? नहीं नहीं, मैं आपके लिए अच्छी, मेरे लिए हर
औरत को अपने आदमी के लिए अच्छा होना बिल्कुल बिल्कुल ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। शाबाश, हम तुम्हें इनाम देंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए दो इसे। मैं दूं? अबे मैं दूंगा इसे 2 लाख देना। वेरी गुड, 8 आने महीना करके आपको मिलेगी इंशाल्लाह। बेफिक्र भाई, जानवर दिखा दें। चलो भाई आ जाओ, मैं जानवर वो इनको भी दिखा देना। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें जानवर को दिखा दूं, जानवर को तुमको दिखा दूं, ताकि दोनों की बात बन जाए। ये काट लेगा गाय? ये वैसे नहीं काटेगा गाय, ये गाय के काट लेगा, दांतों से काटेगा ये। हाँ, छुरी नहीं चलेगी इससे, मैंने इसके हाथ देख लिया है ना। इससे तो बहुत अच्छा था, खुदा की कसम आज अफसोस होता अपनी किस्मत पे। क्या सारी जिंदगी तू ऐसे ही फिरती रही, ना तुझसे बच्चों के स्वेटर बुने गए और ना तूने गायें काटनी सीखी। आज तू गायें काटने थी पछाड़ के बैठ जाती ऊपर, बिस्मिल्लाह कर देती। क्या औरतें थोड़ी काट सकती है? क्यों नहीं, औरतें थोड़ी काटती है। अबे क्या हो गया तू, इसी बहाने अपने आप को औरत भी कह ले। नहीं तो जब तुम्हें बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं है, औरतें सिर्फ शहरों की जेब काट सकती है और कुछ नहीं काट सकती। शाबाश, क्लैप मुबारक। तारे बिना लगे नहीं मारा गया रे, तारे बिना लगे नहीं मारा गया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, तारे बिना लगे नहीं मारा गया रे। आपने मुझे चुड़ैल समझा हुआ है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। कोई नहीं, आप तो बड़े अजीम शख्सियत हैं। शुक्रिया। मोहम्मद अली से मिलते हैं आप? हाँ, मैं कई दफा मिला उनसे। और पाकिस्तान के पाकिस्तान हासिल कैसे किया गया था? 1965 के हीरोज भी शूट किया उन्होंने,